हेलो फ्रेंड्स, मितुस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पनीर की बहुत ही टेस्टी रेसिपी बना रहे हैं, जो हम अक्सर जब भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो ऑर्डर करते हैं। सभी को ये बहुत पसंद होती है, लेकिन हम इसे घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आज हम पनीर मंचूरियन बनाएंगे, तो आइए पनीर मंचूरियन बनाना शुरू करते हैं। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। पनीर, यहाँ मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने इस तरीके से क्यूब्स में काट लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटे या बड़े क्यूब्स में कट कर सकते हैं। और यहाँ मैंने कुछ वेजेस ली हैं, स्प्रिंग ओनियन लिया है आधा कप, पत्ता गोभी ली है 1/4 कप। इनको सभी चीजों को हमने छोटा छोटा चॉप किया है। और एक हरी मिर्च ले ली है, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। लहसुन लिया है 1 चम्मच, बारीक कटा हुआ लहसुन है। और 1 चम्मच ही अदरक, कद्दूकस की हुई अदरक लिया है। और यहाँ मैंने स्प्रिंग ओनियन का जो व्हाइट पार्ट होता है, जो ओनियन होता है, वो लिया है स्प्रिंग ओनियन में, तो ये मैंने आधा कप लिया है। और यहाँ मैंने 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, 4 बड़े चम्मच मैदा, 3 बड़े चम्मच टमाटो केचप, 1 बड़े चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच विनेगर, नमक 1 चम्मच, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने 1/4 चम्मच शुगर ली है, इससे जो मंचूरियन का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पनीर को कोट करने के लिए पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, इस बाउल में हम ये मैदा डालेंगे। और इसमें हम ये 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर हम बाद में यूज करेंगे, तो यहाँ मैं 3 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। नमक डाल देंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार करना है हमें। सभी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा बैटर बनकर तैयार है। इसमें कोई भी लम्स नहीं है और इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी ही रखनी है, बहुत ज़्यादा फ्री फ्लो नहीं बनाना है इसे। और इस बैटर को बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम पानी का यूज़ किया है, लगभग 1 बड़े चम्मच पानी हमारा बच गया है। तो अब हम इसमें ये पनीर के क्यूब्स ऐड कर देंगे। और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, तब तक हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई रख ली है और ऑयल हमारा गरम हो चुका है, तो हम इसमें पनीर के क्यूब्स डालेंगे। स्पून की हेल्प से एक एक क्यूब लेंगे और इस तरीके से हम इस पे डाल देंगे। थोड़े से पनीर क्यूब्स मैंने इसमें डाल लिए हैं, तब इन्हें फ्राई कर लेंगे। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा फ्राई करेंगे, बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन कलर में फ्राई करेंगे। पनीर तो हमें हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, तो पनीर फ्राई हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैंने पैन ले लिया है और पैन में 1 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। तो सबसे पहले हम इसमें ये स्प्रिंग ओनियन डालेंगे। अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे, अदरक डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, ये भी हल्का सा सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें ये पत्ता गोभी डालेंगे
और थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन डाल देंगे और थोड़ा सा हम बाद में ऊपर से डालेंगे। सभी चीजें सॉटे हो चुकी हैं, एक मिनट तक मैंने इन्हें इसी तरीके से सॉटे किया है। हमें इन्हें ज्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ सॉटे करना है हल्का सा। तो हम इसमें ये शुगर डाल देंगे, टमेटो केचप डाल देंगे, काली मिर्च पाउडर डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, नमक ऐड कर देंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉसेज में नमक होता है तो इसलिए आप नमक बहुत ही कम मात्रा में डालें। सॉसेज अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो हम इसमें पानी डालेंगे। आधा कप पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ मैं ड्राई मंचूरियन बनाने वाली हूँ। अगर आप ग्रेवी वाला मंचूरियन पसंद करते हैं तो इसमें पानी की मात्रा को उसके अकॉर्डिंग बढ़ा लें। और यहाँ जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया था, एक चम्मच कॉर्नफ्लोर में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, एक घोल बना लेंगे और इसे हम मंचूरियन की ग्रेवी में ऐड करेंगे। इससे ग्रेवी को थिकनेस मिलती है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर ले पहले, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अच्छे से पहले मिक्स करें। एक बड़े चम्मच मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा हम इसे ऐड करेंगे, एक तरफ से हम डालते जाएंगे और दूसरी तरफ से मिक्स करते जाएंगे। ये मंचूरियन की ग्रेवी को बहुत थिक बना देगा। तो थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे। ग्रेवी रेडी हो गई है तो हम इसमें ये पनीर के पीसेस जो हमने रेडी किए थे उन्हें डालेंगे। विनेगर भी डाल देंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। पनीर मंचूरियन रेडी हो गया है तो इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। पनीर मंचूरियन रेडी हो गया है। अगर आपको इसमें ग्रेवी थोड़ी ज्यादा चाहिए तो आप इसमें पानी की मात्रा बढ़ा लें। अब हम इसे थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन से गार्निश कर देंगे और हमारा पनीर मंचूरियन सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ड्राई पनीर मंचूरियन बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो इस तरीके से आप पनीर मंचूरियन बनाकर जरूर ट्राई करें। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।